जब भी हम किसी से बात कर रहे होते तो उस टाइम हम सिर्फ 30% वर्बली कम्युनिकेट करते, जबकि 70% टाइम हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते। मतलब कि 70% टाइम हम अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बॉडी गेस्चर्स के थ्रू अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करते। नाउ सरप्राइजिंगली इस 70% में भी 37% टाइम हम अपनी बातों को एंड स्पेशली अपने इमोशंस को अपने फेस के अलग अलग एक्सप्रेशंस के थ्रू बताते। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो अगर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है तो हमें बुक्स पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर किसी इंसान को पढ़ना है, स्पेशली उसकी बातों के पीछे छुपे इमोशंस को मालूम करना है, तो हमें फेस रीड करना आना चाहिए। अब जब फेस रीडिंग की बात आती है तो हम मोस्टली सामने वाले की आईज और स्माइल पे फोकस करते हैं। बस सच तो ये कि आईज और स्माइल के अलावा ऐसे और भी अपर बॉडी फेस पार्ट्स है जो अलग अलग वे में नॉन वर्बली कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कि हेयर, हेड, फोरहेड, आईब्रो, आईज, ईयर, नोज, माउथ, लिप्स, चिक्स और चिन। इसलिए अभी मैं आपके साथ इन्हीं 10 फेस पार्ट से रिलेटेड अलग अलग गेस्चर्स और सिग्नल शेयर करूंगा, जिसे सीख के और जिसे प्रैक्टिस करके आप इजीली किसी का भी फेस रीड कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं हेयर और हेड के बारे में। नंबर वन, प्लेइंग विथ हेयर। जब कोई इंसान अपने बालों से खेल रहा होता है, स्पेशली कोई लेडीज, तो ये इंडिकेशन होता है स्ट्रेस एज वेल एज कॉन्फिडेंट का। अब जो चीज आपको ऑब्जर्व करना है वो है पाम का डायरेक्शन। जब सामने वाला इंसान बाल से खेल रहा हो और उसकी हथेली अंदर की तरफ हो, मतलब उसके हेड को फेस कर रहे हो, तो मतलब वो टेंशन में है। वहीं दूसरी तरफ अगर उसके हैंड पाम बाहर डायरेक्शन में हो, तो मतलब वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंफर्टेबल फील कर रहा है। नंबर टू, रनिंग फिंगर थ्रू हेयर। अगर बात करते हुए आप किसी आदमी को बाल में उंगली फिराते हुए देखो, तो समझ जाओ कि वो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डाउटफुल फील कर रहा है। वहीं अगर बात करते हुए अगर कोई लेडीज बालों में उंगली फिराती है या अपने बालों को थोड़ा लिफ्ट करती है, तो ये इंडिकेशन होता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में। नंबर थ्री, हेड स्क्रैचिंग। अगर बात करते हुए आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला अपने सर को बहुत ही ज्यादा स्क्रैच यानी खुजा रहा है, तो इट्स इंडिकेट कि वो आपको इग्नोर कर रहा है या वो किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है जो उसे बार बार परेशान कर रही है। नंबर फोर, इंटरलेस फिंगर बिहाइंड हैंड विथ एल्बो अप। जब आप किसी इंसान को देखो जो कुछ इस पोजीशन में बैठा हो, जहां उसके हाथों की उंगली उसके सर के पीछे हो और एल्बो ऊपर की तरफ हो, तो समझ जाओ वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। अब बात करते हैं फोरहेड के बारे में। नंबर वन, फोरहेड फरोइंग। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और सडनली सामने वाले के फोरहेड यानी कि माथे पे कुछ लाइंस या हल्की हल्की झुर्रियां दिखने लगे, तो समझ जाओ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन में है, और जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है। नंबर टू, स्वेटिंग। अगर बाहर का टेम्परेचर नॉर्मल है, लेकिन आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान बहुत ही ज्यादा स्वेटिंग कर रहा है एंड स्पेशली उसके फोरहेड पे बहुत ही ज्यादा पसीना है, तो समझ जाओ वो किसी बात को लेके बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहा है। लेकिन ये हमेशा हर किसी पे सूट हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ लोग नॉर्मली बहुत ही ज्यादा स्वेट करते हैं। इसलिए हमेशा गेस्चर के साथ सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट पे भी ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। नंबर थ्री, प्रेसिंग हेड ऑन फोरहेड। अगर कोई इंसान अपने फोरहेड को अपने हाथों से दबा रहा होता है, तो इट मींस कि वो अपने टेंशन को रिलीव करके स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कर रहा है। नंबर फोर, पजल लुक। अगर बात करते हुए आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले की दोनों आंखें कुछ इस तरह से स्क्विंट, मतलब कि सुकड़ गई है, जिससे माथे पे शिकंजे और हल्की झुर्रियां आ जाती है, तो समझ जाओ कि वो आपकी बात को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है और आपकी कोई तो बात उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और परेशान कर रही है। अब बात करते हैं आईब्रो सिग्नल्स के बारे में। नंबर वन, आईब्रो ग्रीटिंग। पब्लिक प्लेस में जब हम किसी नोन पर्सन को सडनली देख लेते पर सिचुएशन ऐसी है कि हम कुछ बोल नहीं सकते, तो ऐसे टाइम पे हम अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे करके उन्हें ग्रीट करते हैं। नंबर टू, आईब्रो असिमेट्री। ड्वेन जॉनसन ऑल्सो नोन एज रॉक का ये फेमस लुक आप जानते होंगे। वेल, इसे असिमेट्रिक आईब्रो कहते हैं और लोग ऐसी आईब्रो इंडिकेशन तभी देते हैं जब कोई बात को लेकर डाउटफुल होते हैं और क्वेश्चन करने का सोच रहे होते। नंबर थ्री, आईब्रो नैरोइंग। दोनों आंखों के बीच और नोज के ऊपर वाले इस हिस्से को ग्लैबेला कहते हैं, और जब ये पार्ट नैरो हो जाता है, तो इट मीन्स के सामने वाले इंसान को कोई तो बात से इश्यू है, जिसकी वजह से वो उस बात को बहुत ही ज्यादा नापसंद करता है। नेक्स्ट फेस पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले वो है हमारी आईज। नंबर वन, प्यूपिल डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन।
जब हम किसी के साथ कंफर्टेबल फील कर रहे होते या जब कोई चीज हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है तो उस टाइम हमारे आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती है या हमारे माइंड में कुछ नेगेटिव इमोशंस चल रहे होते हैं तो उस टाइम हमारे आंखों की पुतलियां सुकड़ जाती है। ये चेंजेस उन लोगों में इजीली देखने को मिलता है जिनकी आंखों का कलर लाइट होता है। नंबर 2, आई कॉन्टेक्ट एंड अवॉइडेंस। अगर बात करते वक्त आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान आपसे प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट बनाए रखा है तो इस इंडिकेट कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है। वहीं अगर वो आई कॉन्टेक्ट बनाने की जगह इधर उधर देख रहा हो तो समझ जाओ उसे आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है और वो आपको अवॉइड कर रहा है। नंबर 3, कवरिंग ऑफ आईज। देखो बात करते वक्त सडनली अपने हाथों से या फिंगर से अपने आईज को कवर करना बहुत से इमोशंस का इंडिकेशन देता है, जैसे कि अवॉइडिंग पीपल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वरीज एक्सेट्रा। ऑल्सो अगर आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाले की आंख बंद है और साथ ही साथ वो अपने फिंगर से अपने नोज के अपर पार्ट को रब कर रहा है तो समझ जाओ कि वो इंसान किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान और स्ट्रेसफुल फील कर रहा है। नंबर 4, फार ऑफ लुक। अगर बात करते हो आप ऑब्जर्व करते हो कि सामने वाला इंसान आपकी आंख में देखने की जगह कहीं दूसरी तरफ एक जैसा कंटिन्यूसली देख रहा है तो समझ जाओ वो किसी बात को लेकर एकदम डीपली सोच रहा है एंड फॉर सम टाइम आपको उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं हमारे ईयर्स के बारे में। नंबर 1, ईयर लोब पुलिंग और मसाजिंग। जब कोई इंसान कोई बात बोलने के लिए बहुत ही ज्यादा हेजिटेट फील करता है या किसी बात को लेकर डाउटफुल होता है या किसी चीज से रिलेटेड और भी ऑप्शंस का वेट कर रहा होता है तो ऐसे टाइम पे वो अपने ईयर लोब यानी कि अपने ईयर के नीचे वाले पार्ट को पुल करके रब करने लगता है। नंबर 2, ईयर लीनिंग। आंख की तरह ही अगर सामने वाले इंसान का ईयर डायरेक्शन आपकी तरफ है, मतलब कि उसने अपने कानों को आपकी तरफ थोड़ा लीन किया हुआ है तो इट मींस कि वो आपकी बात सुनने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। अब बात करते हैं नोज सिग्नल के बारे में। नंबर 1, कवरिंग नोज विद बोथ हैंड्स। जब इंसान बहुत ही ज्यादा शॉकिंग या सरप्राइजिंग या बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है तो ऐसे टाइम पे वो एकदम से अपने नोज को अपने दोनों हाथों से कवर कर लेता है। नंबर 2, इंडेक्स फिंगर टू नोज। जब कोई इंसान अपने इंडेक्स फिंगर यानी कि अपनी पहली उंगली को अपनी नाक के ऊपर या बाजू में रखता है तो इट इंडिकेट्स कि वो किसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा कंसर्न है। वहीं अगर वो अपने इंडेक्स फिंगर को अपनी नाक पे टैप कर रहा होता है तो ये बहुत से इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि स्टिंक, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई हैव अ क्वेश्चन, आई एम वॉचिंग यू केयरफुली, यू आर वेरी क्लेवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नंबर 3, प्लेइंग विथ फिल्ट्रम। लिप्स के जस्ट ऊपर और नाक के जस्ट नीचे वाले इस पार्ट को फिल्ट्रम कहते हैं। अब बहुत से लोगों की हैबिट होती है इस वाले पार्ट को रब करने की, स्क्रैच करने की या पुल करने की। वेल, ये सभी एक्शन इंडिकेशन होता है हाई स्ट्रेस का। अब बात करते हैं हमारे मुंह मतलब कि हमारे माउथ और लिप्स सिग्नल के बारे में। नंबर 1, टंग इन चीक। अपनी टंग को चीक के एक साइड पुश करके होल्ड करके रखना कुछ इस तरह से इंडिकेशन होता है टेंशन रिलीफ का। नंबर 2, टंग लीकिंग टीथ। जब इंसान बहुत ही ज्यादा नर्वस, एंजाइटी और डरा हुआ होता है तो उसका मुंह सूखने लगता है तो ऐसे टाइम पे वो अपनी जबान से अपने दांत को लीक करने लगता है, क्योंकि एज पर रिसर्च जबान को अपने दांत पे रब करना इंडिकेशन होता है स्ट्रेस रिलीफ का। नंबर 3, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स। जब कोई इंसान बात करते वक्त एक दो वर्ड्स को अनइंटेंशनली बार बार रिपीटेडली बोलते रहता है तो समझ जाओ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल और नर्वस फील कर रहा है। नंबर 4, लिप बाइटिंग। बचपन में जब टेंशन या स्ट्रेस होता है तो हम नेल बाइट करते हैं, बट बड़े होने पर यह थोड़ा ऑकवर्ड लगता है, इसलिए जब स्ट्रेस होता है तो नेल बाइट करने की जगह हम अपने लिप्स को बाइट करने लगते हैं कुछ इस तरह से। आखिरी जो बात हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारी चीक और चिन। नंबर 1, चीक मसाज एंड वाइपिंग। जब इंसान बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन में होता है तो अपने चीक को वाइप करने लगता है। वहीं जब उसे स्ट्रेस फ्री होकर टेंशन को रिलीव करना होता है तो अपने चीक को मसाज करने लगता है। नंबर 2, चीक स्ट्रमिंग। अपने फिंगर को अपने चीक पे स्ट्रम करना यानी गिटार की स्ट्रिंग की तरह बजाना इंडिकेट करता है कि आप बहुत बोर फील कर रहे हो उस सिचुएशन में और वहां से निकलना चाहते हो। नंबर 3, चिन अप एंड डाउन। बात करते हो चिन का ऊपर की तरफ होना इंडिकेशन होता है प्राइड और कॉन्फिडेंस का, वहीं चिन का नीचे की तरफ डायरेक्ट करना इंडिकेशन होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का। नंबर 4, चिन टचिंग। जब कोई इंसान किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कंटिन्यूसली अपने माइंड में प्रोसेस कर रहा होता है या किसी चीज के बारे में एकदम डेप में सोच रहा होता है तो ऐसे टाइम पे वो हर बार अपने चिन को टच कर रहा होता है। नंबर 5, चिन क्रेडलिंग। जब कोई इंसान इस पोजीशन में बैठा है
जहाँ उसने अपनी चिन को अपने हाथ की हथेलियों पर रखा हुआ होता है, तो ये सिग्नल होता है बोर्डम का, जहाँ वो इंसान उस सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा बोर फील कर रहा होता है। सो टू कंक्लूड, ये थे कुछ गेस्चर्स और नॉन वर्बल सिग्नल्स अलग अलग फेस पार्ट को लेके, जो मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक द डिक्शनरी ऑफ बॉडी लैंग्वेज से बताया। इस बुक के ऑथर एक एक्स FBI एजेंट रह चुके, जिन्होंने इस बुक में ऐसे बहुत से गेस्चर्स और नॉन वर्बल सिग्नल डिस्कस किए, जिसमें से बस कुछ ही गेस्चर मैं इस वीडियो में शेयर कर पाया हूँ। इसलिए अगर आप बाकी के भी गेस्चर्स और सिग्नल को सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक पढ़ सकते हो। अभी के लिए लाइक करें, कमेंट करें, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों के साथ शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें, सो दैट जब भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।